मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे। मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि आज हम कैसा धासु स्टेटस बनाना सीखने वाले हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपको नीचे एक रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर चाहे नोबिता को फेंक के मारिए, चाहे सैड सॉन्ग को फेंक के मारिए, मुझे नहीं पता, बस क्लिक होना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो इस वीडियो पर लाइक करते हैं 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइट मोशन ओपन करना है, बहुत लोगों के पास लाइट मोशन होगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउन कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दो ऑप्शन मेरे प्रोजेक्ट की लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जाकर डाउन कर लेना। डाउन करने के बाद में आपको उन्हें इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप उन्हें ऐड करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको उसके ऊपर हाउ टू इम्पोर्ट एक्सएमएल फाइल के नाम से एक वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर पहले देख लेना कि आप उसे लाइट मोशन में इम्पोर्ट कर लेना। ऐसे करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना पहला प्रोजेक्ट ओपन करना है, फिर आपको क्या करना है, आपको ऊपर स्लाइड करना है, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको क्रायन फील्ड पर क्लिक करना है, फिर आपको बीच में क्लिक करना है, फिर आपको इसमें अपनी कोई भी फोटो ऐड कर लेनी है, तो बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको इसके नीचे एक और टॉपिक दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें क्रायन फील्ड क्लिक करके बीच में क्लिक करके इसमें भी आपको वही सेम फोटो इसमें ऐड कर लेनी है। ऐसा करने के बाद में फिर आपको इसके आगे जाना है, आगे वाले में आपको फिर ऐसे क्लिक करना है, कैमरा फ्री पे क्लिक करके मैं आपको अपनी दूसरी फोटो ऐड करनी है, फिर आपको बैक आना है, आपको इसके नीचे आना है, आपको नीचे वाले में भी मैं ऐसे ही फोटो ऐड करनी है। ऐसा करने के बाद में फिर आपको तीसरे में भी क्लिक करना है, फिर आपको इसमें भी कैमरा फ्री पे क्लिक करके इसमें तीसरी फोटो ऐड करनी है, फिर उसके नीचे आके उसी सेम फोटो को इसमें ऐड कर लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसे फोटो लास्ट तक ऐड करते जाना है, इस इन फोटो को लास्ट तक ऐड करने के बाद में फिर आपको बैक आना है, हमने जो दूसरा प्रोजेक्ट डाउन किया था आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको ऐसे फोटो दिख रही होगी, अगर आपको फोटो ना दिखे कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिल्टर पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर आपको वापस बैक आना है, आपको अपना वही प्रोजेक्ट ओपन करना है, आपको नीचे ऐड करना है, आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, इस पर इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्रीडॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है, आपको नीचे वाले में इसे ऐड नहीं करना है, फिर आपको आगे जाना है, आपको दूसरे वाले ऊपर में ऐसे इफेक्ट पे क्लिक करके थ्रीडॉट पे क्लिक, फिर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, फिर आपको तीसरे में ऐसे ही करना है, फिर आपको तीसरे पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्रीडॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। ऐसा ही अपने सभी फोटो के साथ करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर वाले में सिर्फ करना है, नीचे वाले में नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा करने के बाद में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, फिर आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिरिक्स वीडियो के नाम से एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे इसमें पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐड करने के बाद में आपको उसी वीडियो पे क्लिक करना है। लाइट में ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। आपको नीचे लाइटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, फिर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद में माय वीडियो बन जाएगा। तो गाइस अगर आपको माय वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसी हाउ टू मेक अ वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।